कुरान में कोई भी एक स्टोरी भी होपलेस नहीं। आप देखें हजरत याकूब अलैहि सलाम, उनका गम इस लेवल का था कि इतना रोए के अंधे हो गए, लेकिन एट द एंड बेटा भी वापस मिला, बादशाह बन के वापस मिला, और बेनाई भी वापस आई। सूरह अंबिया में काफी अंबिया को अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है, इस्माइल इस्लाम, ज़ुल्किफ़्ल, सुलेमान, दाऊद, सबके बारे में ना। फिर अल्लाह कहते हैं कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, और अल्लाह ताला ने उन पर रहमत की। तफसीर में मैं पढ़ रहा था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत पेन से गुजारा, यानी वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि निदा लगाई जब उन्होंने कि अन्नी मसनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर रहीम, या मेरे रब तकलीफ ने मुझे छू लिया है और तू बेशक तमाम रहम करने वालों में से रहम करने वाला है। तो लिखा होता है तफसीर में कि द रीजन अल्लाह ताला मेड हिम गो थ्रू ऑल दिस टफ टाइम वाज टू टेल एवरीवन कि मैं अपने प्यारों को तकलीफ से गुजारता हूँ। ये ना समझना कि मैं तुमसे हेट करता हूँ या मैं जो है वो कोई तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर अय्यूब गुजर सकते हैं और अंबिया गुजर सकते हैं तो मे बी इसमें कोई बहुत बड़ी हिकमत है पेन में, गम में। तो लेकिन ये कि एंड में रिलीफ आया, अल्लाह कहते हैं हमने उसे रिलीफ दिया अपने बंदे को।